नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में काफी हंगामा हो रहा है। अनुच्छेद 370 को लेकर सदन में हाथापाई होने लगी। हंगामे के बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्रवाई को देर के लिए स्थगित कर दी, जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि जो वेल में आए हैं उनको बाहर निकालो। मार्शलों ने कुछ भाजपा विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विदर्भ क्षेत्र के वाशिम में एक चुनावी रैली के दौरान महाराष्ट्र के विपक्षी दल एमडीए को महाअनाड़ी करार दिया। उन्होंने एकता का संदेश देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का भी जिक्र किया और अपना बटिए मत का नारा दोहराया। उन्होंने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा ले रहा हूं और आपसे अपील कर रहा हूं कि आप बटे नहीं, क्योंकि जब भी हम बटे हम खत्म हो गए। अमेरिका में चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप विजेता बन चुके हैं। इस जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर फिर से निर्वाचित होने और कांग्रेस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ट्रंप की शानदार जीत उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता में अमेरिकी लोगों के गहरे भरोसे को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में दिग्गजों को याद किया और कहा कि ओआरओपी उनके बलिदान और साहस को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। पोस्ट में लिखा गया, इन दिनों #OneRank One Pension लागू किया गया है। यह हमारे दिग्गजों और पूर्व सैन्य कर्मियों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि थी। उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वायु प्रदूषण की समस्या पूरे देश में गंभीर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। यही वजह है कि अब केंद्र ने भी पराली की समस्या के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की फैसला किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना की राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर पराली जलाने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। NCP-SP के कार्यकारी अध्यक्ष और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अपने चचेरे भाई अजीत पवार के साथ राजनीतिक गठजोड़ की संभावना से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब राजनीतिक मेल मिलाप संभव नहीं है। सुले ने इसकी वजह विचारधारा की लड़ाई को बताया है और कहा है कि अजीत पवार और उनकी पार्टी भाजपा के सहयोगी, ऐसे में अब दोनों के वैचारिक रस्ता कशी रहेगी। सुप्रिया सुले ने आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर होने की बात कही और कहा कि वे दावेदारों में शामिल नहीं। दिल्ली की हवा इन दिनों जहरीली बनी हुई है। दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। दिल्ली के लोगों को आने वाले कई दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बीते कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का चुनाव जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका चीन के रिश्ते बेहतर होंगे। उन्होंने मतभेदों को खत्म करने के लिए बातचीत को बेहतर ढंग से करने की बात कही। यौन उत्पीड़न के मामले को सिर्फ इसीलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी शिक्षक को राहत दी गई थी और उसके खिलाफ मुकदमा रद्द करने का आदेश दिया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी JPC के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कर्नाटक में किसानों से मुलाकात की। दरअसल इन किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, जिसे लेकर कर्नाटक में राजनीतिक विवाद गहरा हो गया था। किसानों से मुलाकात के बाद जगदम्बिका पाल ने कहा कि किसानों ने मुझे एक ज्ञापन सौंपा जिसमें बताया गया है कि जमीन जो उनकी थी उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए युवा तक भारत समाचार के साथ।